लाका बबोरी से पधारे श्री जगदीश जी मां साहब का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। पंच परमेश्वर के चरण में नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए दूर दराज से आए हुए सभी अतिथि गणों सह हृदय नमन करते हुए निर्देश मिला है कथा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप सुन रहे हैं। प्रतिबंध लगाया गया है कि श्री रामचरितमानस में कोई मिलती जुलती कथा नहीं होनी चाहिए। विद्वानों की बस्ती है लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिवनी क्षेत्र की हर जनता को एक नया प्रसंग सुनाने का अवसर मिला है। आइए आप कथा सुनेंगे। शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तीसरे खंड से छठवें स्कंद की और ये कथा 24वें श्लोक से कथा सुनने जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कथा बात एक समय की है। भगवान श्री गणेश और कार्तिक जी में यह विवाद छिड़ जाता है कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ये निर्देश देते हैं कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के सबसे पहले आएगा वही विवाह के योग्य होगा। आज कार्तिक जी जल्दी से पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता के चरणों में चारों धाम को माना है। उस पृथ्वी को छोड़ करके माता पिता की परिक्रमा लगाते हैं और जब तक लौट करके कार्तिक जी आते हैं ये देखते हैं कि भगवान श्री गणेश का विवाह भी हो चुका है। रिद्धि सिद्धि संग में बैठी हुई हैं। इस दृश्य को देख करके कार्तिक जी रूठ करके अपने माता पिता से मल्लिकार्जुन क्षेत्र में चले जाते हैं। आज माता द्वारा को भगवान कार्तिक की याद आने लगती है। बड़े वर्ष हो जाते हैं कि अपने पुत्र को नहीं देखा है। माता गोरा भगवान भोलेनाथ से हट करने लगती है कि ना जाने कार्तिक कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा। आज देखिए आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता गौरी आज वहां पर अपना तीसरा विवाह रचाते हैं। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। कहना है रे ना
तीसरी शादी का करता हूँ बखान, भीलो की नगरी कहे महिमा है भगवान। आज देखिए भगवान भोलेनाथ अपना नाम बदल करके आदिवासी क्षेत्र में जाकर के रहने लगते हैं। बिल्कुल नई कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैसे कैसे प्रस्ताव रखते हैं और ऐसे कैसे कैसे देखिए कैसा संयोग है। अरे हो बना भी लो देवो के देव महादेव देवो के देव महादेव रे और आज देखिए उन्हीं के रीति रिवाजों के सहारे सबसे पहले उस आदिवासी क्षेत्र में उस मल्लिकार्जुन क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ और गोरा जी जाकर के रहने लगते हैं। दोनों के बीच में मिलन होता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों का जब मिलन होता है तो सारे गांव वाले बड़े रीति रिवाज से और बड़े सहजता से आज दोनों का विवाह कराने लगते हैं। क्या होता है गोरी माँ देखती
पावन समिति को बारंबार धन्यवाद दूंगा। एक बात कही गई है पंपलेट में, शर्त और नियम रखे गए हैं कि साफ सुथरा प्रोग्राम प्रस्तुत करना बिना किसी चिल्ला चोट के। एक बार आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए भैया। नर नारी अपने मन विचार हिलाए, आज जब दोनों का मिलन हो जाता है तो बड़ी धूमधाम से बारात चलती है। और बारात देखिए जैसे ही चलने लगती है क्या होता है, कुछ रस में हो चुकी है, कुछ रस में अभी है बाकी। और दरवाजे खिड़कियों से हुनर नार सहेली झांकी, दोनों के बीच में इतनी सुंदर भव बरात जाती है। और ये दृश्य हर जगह होता है कि जब वो झांकी भगवान भोलेनाथ के निकली है तो सारे नर नारी उस झांकी को देख रहे हैं। हो कुछ रस में हो चुकी, हो कुछ रस में अभी है बाकी। दरवाजे खिड़कियों से नर नार सहेली झांकी, अरे इन्हें मिलाने का सबका सहयोग पूरा, इन्हें सबका सहयोग पूरा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने और गोरा जी ने ये लीला क्यों रचाई, इस कथा का सार इस भजन के और मौजूद है। इन्हें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, क्योंकि ललन से मिलन अधूरा है। कार्तिक जी भगवान बन के बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन में और उनका पता नहीं लग पाया है, लेकिन उनसे मिलने के लिए ललन से मिलन अधूरा, ललन से मिलन ललन से ललन से मिलन अधूरा है, ललन से मिलन अधूरा है। और आज देखिए सज धज करके जैसी बारात जाती है क्या होता है, सात फेरों के सातों वचन
साथ निभाना। आज देखिए सारे जैसे विवाह पूर्ण हो जाता है सभी अपना अपना आशीर्वाद दोनों को प्रदान करते हैं। क्या होता है वो साथ फेरो साथ फेरो साथ बचन मनी अर्जुन का साथ भगवान भोलेनाथ और गोरा भैया। आज कार्तिक जी अपने माता पिता को पहचान जाते हैं और जाकर के आज अपने माता पिता के चरणों में चले जाते हैं। कहा प्रभु आप आज देखिए कार्तिक जी और उनके माता पिता भगवान भोलेनाथ और गोरा भैया का मिलन हो जाता है। मल्ली अर्जुन का साथ समय समाप्त। परमादरणीय सम्मानित श्री पारस जी पटेल साहब जी कतरपुर वाले आप